जब एक डॉक्टर अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहा होता है, उस वक्त उस डॉक्टर के परिवार के मन में क्या चल रहा होता है? वो डॉक्टर जो कई दिनों तक अपने घर नहीं आ पाता, वो डॉक्टर जिसे अपने बीवी बच्चे और माता पिता का चेहरा सामने से देखे हफ्तों हो गए। महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले डॉक्टर सुशांत मुले ऐसे ही कोरोना वॉरियर हैं, जो अपने परिवार को इन्फेक्शन के खतरे से महफूज रखने के लिए काफी वक्त से घर नहीं आए। वीडियो कॉल पर परिवार का हालचाल मिल जाता है, बच्चे से भी बात हो जाती है, लेकिन बच्चा जब माँ से पूछता है कि पापा घर क्यों नहीं आते, तो माँ कुछ ऐसे समझाती है। मुझे तो मेरे बच्चों की ज़्यादा चिंता है, क्योंकि उसको पापा की बहुत आदत है, पापा पापा करता है, तो उसके लिए वीडियो कॉल करके देना पड़ता है, उसकी बात करानी पड़ती है, रात में भी पूछता है कि पापा कहाँ पे है, लेकिन मुझे उसे समझाना पड़ता है कि पापा डॉक्टर है, पेशेंट को देखने गए, टूट्स करने गए हैं, तो फिर वो चुप बैठ जाता है, वीडियो कॉल करके उसको बताना पड़ता है। इस समय जिस परिस्थिति से वो जूझ रहे हैं, कैसा बच चुके? एक अच्छी बात भी है जो सीखा है अपन ने, जो डॉक्टर बने हैं आज राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन फैमिली के तौर से थोड़ी सी चिंता भी होती है कि अपने डॉक्टर है लेकिन खुद पेशेंट ना बन जाए ऐसा भी लगता है। पूरा प्रोटेक्शन लेके करते हैं, फिर भी थोड़ा सा मन में डर रहता ही है कि अपने को कुछ हो ना जाए। अभी 15 दिन हो गए आज वो बाहर है, सिर्फ फोन पे बात होती है, बाकी घर पे तो आना हुआ नहीं है उनका। मध्यप्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर प्रवीण जड़िया भी कई दिनों से घर नहीं जा पाए। बिटिया कहती है उसे पापा पर नाज है। मैं तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ मेरे पापा का, क्योंकि उनकी मतलब उनकी अभी स्पाइनल सर्जरी भी हुई है और मतलब उनकी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा मेहनत करके सबकी मतलब सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब सारे मेजर्स वो कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। डॉक्टर मुले और डॉक्टर जड़िया की तरह देश भर में ऐसे हजारों लाखों कोरोना वॉरियर्स हैं, जो इस वक्त इस नाजुक वक्त में परिवार से दूर रहकर देश को बचाने के काम में जुटे हैं। ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को नवभारत टाइम्स दिल से सलाम करता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।